हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शविमान व्लॉग्स। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल हेल्दी होंगे एंड हैप्पी होंगे। सो आज हैं हम 2018 ऑक्टाविया MK3 में, जो हैं अपने भाई हैं, जो इनके ओनर ब्रदर, आपका गुड नेम ऋषभ शर्मा। सो ये कार है अपने ब्रदर की। सो इसमें जस्ट अभी मंडे को ऑटो साइक से हुआ है, इसको सेकेंड स्टेज बनाया गया है। सो इसमें ECU सेकेंड स्टेज हुआ है एंड TCU सेकेंड स्टेज प्लस हुआ है। सो दोनों के दोनों TVS से हुए हैं। बाकी की जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है या फिर जो जो इसके अंदर अपग्रेड्स हुए हैं, कॉस्मेटिक चेंज इसके अंदर कुछ नहीं किया गया है, इसलिए मैंने आपको ये बाहर से नहीं दिखाई है, क्योंकि बाहर से बिल्कुल स्टॉक है। और जो इसके अंदर चेंज हुआ है, सारे का सारा इसके अंदर आपका परफॉर्मेंस का चेंज हुआ है। सो दिस कार अभी ये प्रोड्यूस कर रही है ऑलमोस्ट 280 BHP एंड 350 NM ऑफ टॉर्क। सो भाई से हम इसका एक्सपीरियंस लेंगे कि इस कार को ट्यून करके करवाया क्यों है, मतलब ऐसी क्या नीड थी, अगर करवाया है तो कितना इसके अंदर गेन आया है, और अगर गेन आया है सो उससे मतलब कितना डायनामिक्स एंड कितना कार का फ़र्क आया है। सो पावर में जितना फ़र्क आया है उस चीज़ की बात करेंगे, और बाकी एक्सपीरियंस लेंगे भाई का कि ट्यून होने के बाद कार उन्हें कैसा बिहेव कर रही है एंड कैसे चल रही है। आपको एक बारी कार का अंदर से पूरा इंटीरियर वॉक अराउंड करा देता हूं मैं। इसमें आपको डिजिटल वगैरह 2018 के बाद सब आ गया था। ये LNK टॉपेस्ट मॉडल है ऑक्टाविया का, 1.8 जो फेसलिफ्ट आई थी, जिसमें आगे स्प्लिट लाइट्स हैं। मैंने आपको इंट्रो में भी कार का बाहर से वॉक अराउंड एक डाल दिया छोटा सा। सो अब बाकी बात करते हैं अपने ऋषभ भाई से। सो कैसे हैं भाई? बहुत बढ़िया। सो भाई का भी एक इंस्टाग्राम पे पेज है, उसको भाई फॉलो करें। भाई आपको खुद बताएंगे पेज का नाम। रोड टेस्टर। सो ब्रदर आप बताएंगे इस कार को ही आपने क्यों ट्यून करने के लिए चुना है, एंड अभी तक आपने बिल्कुल स्टॉक रखी थी, सो ट्यून करने के बाद क्या फर्क आया? सो पहले बात करेंगे इसको क्यों चुना। नेक्स्ट लेवल हो रखी है भाई, देखिए, देख रहे हो। सो डर भी लग रहा है भाई थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम बहुत ब्रूटल हो गई भाई, गाड़ी बहुत ब्रूटल है। अच्छा थोड़ा ट्रैफिक आया है, जब तक हम आपको 0 to 100 भी इसका करा के दिखाते हैं, मतलब मैक्स ये इस रोड पे कितनी जाएगी, 120-130। सो वो पोटेंशियल भी दिखाएंगे। पहले पूछ लेते हैं कि भाई अब आपका एक्सपीरियंस क्या है, मतलब आपकी मंडे को हुई है गाड़ी, सो आज थर्सडे है, सो ऑलमोस्ट 4 days हो गए हैं। सो आप आज भी ऑटो साइक आए थे, सो देयर इज एनी रीजन? बिकॉज हमें लग रहा है कि ये और बना सकती है पावर, और बना सकती है। सो ऐसा क्यों लगा? इसकी पुश अभी इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, पुश अच्छी है, बहुत अच्छी है स्टॉक से, बट और अच्छी हो सकती है, और अच्छी हो सकती है। सो अभी वो हो गई चीज नहीं, अभी हमने रिकॉर्ड करे डेटा, अभी उनको देंगे TVS को, अभी फिर हमको एक सॉफ्टवेयर देगी वापस। ओके, सो आपका टोटल इसमें ऑलमोस्ट कितना टाइम लग गया एंड कितना आपका बजट इसमें, मतलब बजट मैंने कुछ प्लान नहीं करा है, देखते हैं क्या होता है। सो अभी आप इसमें और भी कोई मतलब जैसे बाहर से भी चीजें चेंज कराएंगे, अलॉयज, ब्रेक्स, अभी तो बहुत कुछ कराना है, सस्पेंशन, बहुत चीजें होंगी, है ना, लंबी लिस्ट है अभी तो। सो अभी इस कार में सिर्फ और सिर्फ इसका ECU रिमैप हुआ है। TCU रिमैप करना पड़ता है अगर आप सेकंड स्टेज ECU करा रहे हैं, सो आपको TCU सेकंड प्लस कराना ही पड़ता है। बाकी पूरी गाड़ी स्टॉक है, और मतलब यार मेरे से तो ना बैठे नहीं जा रहे, साइड में इतना डर लग रहा है। सो आपको जल्दी से भाई इस कार का एक यू टर्न लेते हैं और 0 to 100 करके दिखाते हैं विद AC ऑन, ट्रैक्शन ऑन कर लीजिए भाई। पहले हम 2-3 राउंड करके दिखाएंगे उनको, मतलब हर एक उसमें फ़र्क पता लगना चाहिए। और हम कार में बैठे हुए भाई ऑलमोस्ट 3 लोग बैठे हुए हैं, सो इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है जब 3 लोग कार में बैठे हुए होते हैं, क्योंकि जो असली जो कंपनी दिखाती है उसमें आपका AC ऑफ, TC मतलब TCS ऑफ, और उसके बाद एक बंदा बैठा जाता है वो आपका कंपनी क्लेम करती है। सो 3 बंदे हैं, हम आपको दिखाते हैं कितना फ़र्क आया है, 280 BHP वर्थ है या नहीं है, या ये 280 BHP जितना फील नहीं कराती। सो सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट राउंड अभी लेते हैं, फिर आपको इसका ट्रैक्शन ऑफ कराएंगे, ट्रैक्शन ऑफ करा के AC ऑफ कराएंगे, और फिर आपको इसका लॉन्च करके दिखाएंगे।
सो अभी हम करने जा रहे हैं इस कार का आपका 0 to 100 जैसे मैंने बताया था, एसी ऑन है, ट्रैक्शन ऑन है, सब कुछ ऑन है, नॉर्मल गियर में कार लगी हुई है, स्पोर्ट्स गियर तो नहीं है, स्पोर्ट्स है, ओके। सो अभी ये कार डी में आ गई है और मैं फोकस कर रहा हूँ आपका, आपकी नज़र भी उधर ही रहनी चाहिए। सो लॉन्च करिए भाई। तो मैंने आपको अभी बिल्कुल नॉर्मल गियर पर इसका 0 to 100 करके दिखा दिया है और अब आपको एक बार इसका स्पोर्ट्स गियर, एसी ऑफ एंड ट्रैक्शन ऑफ, एक और आपको इसका 0 to 100 करके दिखाते हैं। ये ना ये थोड़ा सा बम्प बहुत ख़राब है यहाँ पर, हाँ इसको क्रॉस करने के बाद, अरे आगे से मोड़ लेंगे, कट ही कटे बीच में। सो अभी हम अगेन इसका 0 to 100 करते हैं, ट्रैक्शन ऑफ कर लीजिए भाई, स्पोर्ट्स मोड लगा लीजिए एंड एसी ऑफ, एसी ऑफ। सो और इस बात का ध्यान रखना भाइयों, 3 आदमी कार में बैठे हुए हैं, सो पॉइंट्स का कुछ फर्क रह सकता है अगर सिंगल आदमी में होता। स्टार्ट करिए भाई। सो आप लोगों ने देख ही लिया भाई, क्या पुश आ रहा है इस कार का, मतलब नेक्स्ट लेवल। अभी इसके अंदर अलॉयज अपग्रेड होने हैं, टायर्स अपग्रेड होने हैं, इसके अंदर सस्पेंशन अपग्रेड होना है, ब्रेक सिस्टम भी इसका पूरा का पूरा अपग्रेड होना है। सो काफ़ी अपग्रेड्स इस कार के अंदर होने हैं। अभी इसकी स्टार्टिंग स्टार्ट हुई है, मतलब सो अभी धीरे धीरे, ये एक चीज़ अच्छी भी होती है, आपको पहले ट्यून ही कराना चाहिए क्योंकि आपको फिर उसके बाद खुद पता लग जाता है कि भाई मेरी कार में किस किस चीज़ की कमी है। सो जैसे आपने सस्पेंशन का है वो आपको ट्यून होने के बाद ही पता लगेगा, ब्रेक्स का है वो भी आपको ट्यून होने के बाद ही पता लगेगा, और जो अलॉयज वगैरह का भी है वह भी आपको ट्यून होने के बाद ही पता लगता है। बाकी यार गाड़ी मतलब नेक्स्ट लेवल हो रखी है, नेक्स्ट लेवल। और भाई थोड़ा सा चला भी ऐसे रहे हैं, मैं आपके साइड में शूट कर रहा हूँ भाई के बैठ कर, वो बहुत बड़ी बात है। ये देखो यार, मतलब पुश, नेक्स्ट लेवल पुश भाई, नेक्स्ट लेवल। सो मैंने जो इससे पहले जो कारें करी हैं वो 260 BHP अराउंड थी, वो भी TVS से उसका ECU रिमैप था और TVS से ही उसका TCU रिमैप था। बट यार ये MK3 जो रिस्पांस दिखा रही है ना, मैन भाई साहब नेक्स्ट लेवल, 160-170 नॉर्मल जा रही है भाई गाड़ी। एंड भाई मतलब अभी इसकी स्टेबिलिटी एंड डायनामिक्स इतने सही हैं, सो जब इसके अंदर वो सारे अपग्रेड्स हो जाएंगे चीज़ें, सो तब तो ये और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल और ज़्यादा पुश कर सकते हैं इसको, है ना। सो मतलब आप ये सारी चीज़ें आपने अभी डिसाइड कर रखी हैं, करना ही करना है आपने। आपको मैं लिस्ट दिखाता हूँ अभी इसके बाद। अच्छा आपने लिस्ट पूरी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जो काम हो चुका है और जो होने वाला है, दोनों का आपको मैं लिस्ट डाल दूंगा। और बाकी अगर भाई अगर कराएंगे कोई चीज़ में अपग्रेड, सो होप वो हमें भाई बुला लेंगे, सो हम उस चीज़ को भी रिकॉर्ड कर लेंगे अपग्रेड होते हुए कार में। बाकी भाई मेरा ये कहना है कि नेक्स्ट लेवल है, एंड मैं ऑक्टावियाज आपको इतनी ज़्यादा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई ऑक्टावियाज जितनी ज़्यादा ट्यून हो सकती हैं, जितनी उनकी पोटेंशियल है, वो और किसी कार की नहीं है। इसलिए ये हर बंदे की चॉइस होती है कि अगर कोई कार ट्यून करनी है सो वो ऑक्टाविया है, ऑक्टाविया या VRS। VRS भी ऑक्टाविया का ही एक स्पोर्ट्स वर्जन है जो आपको मतलब थोड़ी फैक्ट्री से ही ज़्यादा पावर में आता है, सो वो और ज़्यादा अच्छी ट्यून हो जाती है। बाकी ये 1.8 है, सो ऑलमोस्ट ये 180 BHP आती है, ये स्टॉक 180 BHP एंड 250 NM ऑफ टॉक आता है, जो अब बढ़कर भाई करीब करीब हो चुका है 280 BHP एंड 350 NM ऑफ टॉक। सो टॉक इसका काफ़ी कम गेन हुआ है, जैसे कि मैंने दूसरी अभी ऑक्टाविया की जिनमें 400 हो रखा है। सो कोई रीजन इस चीज का? बिकॉज़ अभी ये स्टेज 2 प्लस पे ही है, वो भी स्टेज 2 प्लस थी, इसमें 400 हो रखा है। वो कौन सी थी? 1.8 ऑक्टाविया 1.8 2017। ओके 440 पीछे वाली? नो नॉट 440, द ब्लैक वन। अच्छा हां जी हां, मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली 1.8 में जो आता है वो है DK 200। ओके, ड्राई क्लच गियरबॉक्स, एंड मतलब ये इतनी हैंडल नहीं कर पाता पावर, आपको पता ये मतलब बिल्कुल इनको हार्ड लॉन्च के लिए वैसे सब मना करते हैं। हाँ हाँ भाई, एंड 350-370 के बाद जाना भी नहीं चाहिए आपको, बिकॉज आपको ख़राब हो जाएगा फिर बिल्कुल। सो रेस फ्लश डलवा लो, काफ़ी चीज़ ये लोगों ने मेरे को बात बोली है, एंड काफ़ी लोग कहते भी हैं कि जब आप
ऑक्टा, ये जो डीएसजी है ये टॉक 250 जब इसका क्रॉस होता है ना, सो तभी मतलब ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि उस पावर को टॉक को हैंडल कर सके। सो 350 अगर ये हैंडल कर रहा है, वो भी आपका टीसीयू रिमैप कराया गया है स्टेज 2+, सो उसके बाद कर रहा है। सो इसके बाद इसमें आप करा भी नहीं सकते भाई, ज़्यादा रिलायबल नहीं रहती है आपकी गाड़ी। अगर आपको रिलायबल चलाना है तो 330 इज़ ओके, सॉरी 350 है ना। हाँ ओके ओके, बाकी भाई पूरे सेटिस्फाइड है कार से, बिल्कुल। सो एक भाई हम लास्ट इस कार का आपको, हम जा रहे हैं वापस जहाँ से आए हैं, पुश करते हुए जाएंगे, थोड़ा सा आपको भी भाई एंटरटेन हो जाएगा आपका। सो बाकी यार गाड़ी ना काफ़ी स्टिफ पहले से ही है, आपको रोड वाइब्रेशंस काफ़ी इसमें फील होती हैं, और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अभी जो ऑक्टाविया आपकी लेटेस्ट आ रही है उसमें सबकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, वो कह रहे हैं इस कार ने अपने डायनामिक्स लूज कर दिए हैं, बहुत सॉफ्ट सस्पेंशन दे दिया उसके अंदर, और जैसा मतलब ये 180 bhp पे रिएक्ट करती है वो गाड़ी 190 bhp पे रिएक्ट नहीं करती है। सो ये MK3 इज़ द लास्ट वन जो ये डायनामिक्स और मतलब हर चीज़ के लिए अपनी मशहूर थी कार। सो भाई आप, आपका भी ये कहना नेक्स्ट वाली में उन्होंने क्या कर दिया है, क्योंकि हर बंदे का ये कहना कि बहुत सॉफ्ट सस्पेंशन दे दिया है, एंड जो स्टेयरिंग का जो रिस्पॉन्स था, जो इसका रिस्पॉन्स है, मतलब आपको लगता है कि आप मतलब बिल्कुल जुड़े हुए रोड से। सो कह रहे हैं कि यार वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जैसे फैजल खान की वीडियो में भी हर जो भी यूट्यूबर जिसने अच्छे डाली है, जो अच्छा कार की पोटेंशियल चेक करते हैं, सब ये कह रहे हैं। बहुत फेमस है भाई, हम सब जानते हैं सारे, बिल्कुल। सो यार मतलब मेरा ये कहना है इस कार की इस टाइम पेट्रोल में इतनी डिमांड है ना, इतनी डिमांड है ना, ये हमारा पीछे भाई बैठा है ये अभी ढूंढ रहा है, इसको शायद से मिल गई है एक कार जो ऑलमोस्ट सेकंड स्टेज पहले से ही है भाई, सेकंड स्टेज ECU प्लस TCU, और अपने काफी फेमस भाई की है, किन की है, काशिफ भाई की, जिनकी VRS 440 bhp जिन्होंने स्टेज 3 बना रखी है, उन्हीं कार है। सो होप अपने पास भी बहुत जल्दी एक ऑक्टेविया आ ही रही है, फिर A200 और अपनी ऑक्टेविया साथ ही भागेंगी। सो नेक्स्ट लेवल कार है भाई, नेक्स्ट लेवल भाई ने इसको अभी ट्यून करा दिया है, बाकी इसके अंदर काफ़ी अपग्रेड्स होने हैं, कॉस्मेटिक भी एंड सस्पेंशन वगैरह काफ़ी चीज़ें होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच भाई, आपने इतनी प्यारी एंड इतनी अच्छी हमको राइड कराई है, इसका मौका दिया, एंड ज़रूर लोग देखना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस। सो भाइयों देखो, मैंने अब तक आपको जितनी भी ऑक्टेवियास वगैरह खुद ड्राइव करके दिखाई हैं, खुद उनके 0-100 करके दिखाए हैं, लेकिन जिस बंदे ने कार बनाई है और जो उसे डेली ड्राइव करता है ना, सो उससे उसका ज़्यादा अच्छा लॉन्च होता है, ज़्यादा अच्छी परफेक्ट टाइमिंग्स आती हैं। सो तीन बंदे हम अंदर बैठे थे, फिर भी आप अपने हिसाब से लगा लेना भाई क्या टाइमिंग्स रही हैं, थोड़ा जहाँ पर हमने 0-100 किया है, अगर स्ट्रेट लाइन होती तो हम ज़्यादा अच्छा कर पाते, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं थी, कर्वी रोड से फिर भी भाई हमने करके दिखा दिया, तो थोड़ा बहुत फर्क आए, सो आप समझ सकते हैं। बाकी भाई बीस्ट कार है, बीस्ट बना दी गई है और बीस्ट बनने वाली है, और ये काम भी अपना हो रहा है ऑटो साइक से। सो आपका इस कार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, या फिर भाई का भी जो पेज है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, सो आप डायरेक्ट भाई से भी पूछ सकते हैं क्या भाई को इसका मतलब टोटल बजट पड़ा है, कितना टाइम लगा है, एंड क्या क्या भाई कराएंगे, सो आप उनसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, एंड भाई के पेज को भाई फॉलो करिए। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, कल फिर मिलते हैं आपसे एक नई हाइपर ड्राइव के साथ, एक नई एक्सट्रीम कार के रिव्यू के साथ, और एक नए डेली व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइज।